नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। सिकंदरपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे डीएम व एसपी। डीएम ने सुनी जनता की फरियाद, कुल 154 शिकायतों में 12 का मौके पर निस्तारण। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण व वरासत में देरी पर दिखे सख्त, समय से गुणवत्ता पूर्वक समाधान सुनिश्चित कराएं जिलाधिकारी। खबर जनपद बलिया से। बुधवार को जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार ने सिकंदरपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की फरियाद सुनी। इस दौरान कुल 154 शिकायतें आईं, जिनमें 12 का मौके पर निस्तारण कराया गया। जिलाधिकारी ने शेष समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर गुणवत्ता पूर्वक समाधान सुनिश्चित कराएं। सार्वजनिक अतिक्रमण हटाने में लापरवाही बरतने पर गौरा के लेखपाल कमलेश पासवान पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश सिकंदरपुर एसडीएम रवि पासवान को दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करना ही इस आयोजन का उद्देश्य है। जो शिकायतें आती हैं, उसे डायरी में नोट कर एक सप्ताह के अंदर समाधान कराएं। निस्तारण के रैंडम चेकिंग के दौरान लापरवाही मिली तो कार्रवाई की जाएगी। राजस्व से संबंधित मामलों पर कहा गया कि मौके पर जाएं तो शिकायतकर्ता को भी बुलाकर समाधान के प्रति संतुष्ट करें। यह भी कहा कि मौका मुआयना या पैमाइश कर सिर्फ चिन्हांकन व रिपोर्ट ही नहीं लगाया जाए, बल्कि प्रकरण का संपूर्ण समाधान सुनिश्चित कराएं। एसडीएम को निर्देश दिया कि कोई कब्जा हटवाने के बाद दोबारा कब्जा कोई करता है तो सख्त कार्रवाई करें। दो पक्षों के बीच अगर कोई समझौता होता है तो उसका अनुपालन भी कराएं। किसी प्रकरण में जांच टीम बनी है और रिपोर्ट में देरी होती है तो उसके प्रति भी जवाबदेही तय की जाएगी। सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण पर एसडीएम को यह चेतावनी दी कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिलती है और वरासत के मामले 3 महीने से अधिक समय तक लंबित मिले तो संबंधित की जवाबदेही तय कर निलंबन व प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जाएगी। खतौनी के नाम या रकबा गलत होने की शिकायत पर निर्देश दिया कि लेखपाल या तहसील स्तर से गलती हो तो जनता को परेशानी न उठाना पड़े। एसडीएम तत्काल ऐसे प्रकरण को संज्ञान में लेकर हल कराएं। चकबंदी के मामले ज्यादा आने पर एसओसी को निर्देश दिया, यहां तैनात चकबंदी लेखपालों के कार्यों की समीक्षा करें। इस अवसर पर एसपी विक्रांत वीर और अन्य जिला व तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।